देखिए बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं, ये नर्मदा मैया का जल है और ये शांति कुंज हरिद्वार की गंगा जल है, और इन दोनों जल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे माननीय जो हमारी सांसद महोदया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनके दिमाग के शुद्धिकरण यहाँ पे कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे कि उनको माँ नर्मदा मैया के बारे में क्या बोलना है, माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि जिस तरह से उनने एक धार्मिक मन से अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए माननीय उनने दिग्विजय सिंह जी का ही अपमान नहीं किया है, वहाँ पे लाखों करोड़ नर्मदा वासियों परिक्रमा वासियों को उनका अपमान किया है, जिनकी माँ नर्मदा मैया में आस्था है, जो माँ नर्मदा मैया की पूजा करते हैं, जिनकी माँ नर्मदा मैया से उनके मांग मानने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनकी परिक्रमा करके अपने जो उनकी मांगे रहती है वो मान ली जाती है माँ के द्वारा, और उसके भेंट स्वरूप को चुनरी आता चढ़ा के आते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने माँ नर्मदा मैया को भी नहीं छोड़ा। एक तरफ ये अपने को हिंदू बोलते हैं, ये कैसे हिंदू है जो माँ नर्मदा मैया का अपमान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पूरी महिला कांग्रेस मांग करती है कि माननीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी माफी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में ये माँ नर्मदा मैया ही इनको इनका इंसाफ दिलाएगी। देखिए बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं, ये नर्मदा मैया का जल है और ये शांति कुंज हरिद्वार की गंगा जल है, और इन दोनों जल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे माननीय जो हमारी सांसद महोदया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनके दिमाग के शुद्धिकरण यहाँ पे कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे कि उनको माँ नर्मदा मैया के बारे में क्या बोलना है, माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि जिस तरह से उनने एक धार्मिक मन से अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए माननीय उनने दिग्विजय सिंह जी का ही अपमान नहीं किया है, वहाँ पे लाखों करोड़ नर्मदा वासियों परिक्रमा वासियों को उनका अपमान किया है, जिनकी माँ नर्मदा मैया में आस्था है, जो माँ नर्मदा मैया की पूजा करते हैं, जिनकी माँ नर्मदा मैया से उनके मांग मानने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनकी परिक्रमा करके अपने जो उनकी मांगे रहती है वो मान ली जाती है माँ के द्वारा, और उसके भेंट स्वरूप को चुनरी आता चढ़ा के आते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने माँ नर्मदा मैया को भी नहीं छोड़ा। एक तरफ ये अपने को हिंदू बोलते हैं, ये कैसे हिंदू है जो माँ नर्मदा मैया का अपमान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पूरी महिला कांग्रेस मांग करती है कि माननीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी माफी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में ये माँ नर्मदा मैया ही इनको इनका इंसाफ दिलाएगी।